खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे ट्विटर चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन 24 मार्च 2022 मेरे पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। तस्वीरों में दिखने वाले ये पांच अभियुक्त सुहेल, अक्षय शर्मा, शक्ति, राहुल और शावेज हैं। मेरठ पुलिस की करखौदा पुलिस टीम और सर्विलेंस टीम ने इस गैंग को लूटे हुए टेम्पो, मोबाइल और अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। लूट करने का अंदाज कुछ इस तरह था। इस गैंग ने रात में सवारी के रूप में टेम्पो स्टैंड पर खड़े हो जाते थे, उसमें बैठते थे और हाईवे की तरफ जाते ही पहले टेम्पो को लूटते थे और उसके बाद उसी टेम्पो में सवारी बैठाकर मौका देखकर सवारियों से नकदी, मोबाइल लूट लेते थे। ये टेम्पो में सवारियों को तमंचा दिखाकर उनसे लूट किया करते थे। इनको हापुड़ हाईवे पर पांची पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव के न्यूज़ से नवीद खान की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र खरखौदा में तालिब निवासी उलझन ने थाने में ये शिकायत दर्ज की कि उनके साथ रात 9 बजे जो है लूट हुई है। उनका ऑटो, एक नोकिया का फ़ोन और 5,000 रुपये की लूट की घटना हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस ने दोनों ने एक संयुक्त टीम बनाकर इस चीज़ के पीछे तफ्तीश करी। तमाम भौतिक साक्ष्य और डिजिटल एविडेंस के आधार पर 5 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। क्या क्या बरामद हुआ है? जो टेम्पू जो चोरी करते थे कहाँ भेजे? ये अमूमन इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड पे ये लोग खड़े हो जाते थे और किसी बहाने से टेम्पो बुक करते थे। उसके बाद मौका पाकर ये टेम्पो लूट घटना को कारित करते थे और उसी टेम्पो को बाद में सवारी बिठाकर अन्य सवारों को लूटते थे। लोग मेरठ के अलावा इनमें से हापुड़ और गाज़ियाबाद में भी इन लोगों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इन पर और भी कई मुकदमे दर्ज हैं।